अभिनेत्री और सपा नेता काजल निषाद ने इंस्टाग्राम पर एक रील बनाकर डाला जिसमें वह बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए दिख रही हैं। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट बाइक चलाने के इल्जाम में उन पर 1000 का चालान लगा दिया। फिर क्या था, काजल निषाद को एक मुद्दा मिल गया और वह जोरदार तरीके से पुलिस प्रशासन में भड़की। साथ ही उन्होंने भाजपा और मीडिया को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कई नाम गिनाते हुए कहा कि ये सभी लोग बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाते हैं लेकिन इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने अपने मामले में सफाई देते हुए कहा कि वह अपने अपार्टमेंट के कैंपस में बाइक चलाना सीख रही थी। इस वीडियो को पुलिस ने आधार बनाकर उनका 1000 का चालान थमा दिया। काजल निषाद ने कहा कि 1000 रुपये में पुलिस ने उनको इतनी पॉपुलैरिटी दे दी है कि अगर उन्हें मालूम होता तो वह 2000 का चालान देने को तैयार है। इसके बाद काजल निषाद ने कहा कि वह अब खुद सड़क पर उतरकर पुलिस कर्मियों को बिना हेलमेट वाहन चलाते हुए पकड़ेंगी और वीडियो वायरल करेंगी। मैं बुलेट चला रही थी अपने ही कंपाउंड में, अपनी ही सोसाइटी में जो कि खाली रहती है दोपहर को, वहाँ एक भी आदमी नहीं भटकता है। दोपहर को इतना वहाँ सुनसान रहता है तो मैंने कहा कि जो सुनसान सड़क है वहाँ बुलेट सीखी जाए, सीखने के लिए यही उचित समय होता है। तो मैं वहाँ चला रही थी, अभी तो सीख ही रही थी और तुरंत जो है यातायात का उल्लंघन हो गया ऐसे कह के अधिकारियों ने चालान काट दिया। 1000 रुपये का चालान काटा, 1000 में मेरा इतना भरपूर प्रचार किया इन लोगों ने, आहा बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हमको पहले पता होता तो 2000 का चालान काट लेते आप लोग और ज़्यादा प्रचार करते। 2024 आ रहा भैया, एक ठो और बार प्रचार चालान हमारा काटिएगा, हाँ एक नहीं 2000 का काटिएगा, आज जम के प्रचार करिएगा भैया। अभी तो बहुत कम पेपर में आपने छापा है, थोड़ा और भर के छापिए, थोड़ा अच्छे से छापिए। क्या है भैया कि हम जो है आह भी कर दे तो हम बदनाम हो जाते हैं और वो कत्ल भी कर दे तो कोई उनको पूछने वाला नहीं, कोई ताकने और झांकने वाला नहीं, ठीक है ना। क्या होता है कि चिथड़ा त्रिपाठी जो है वो भी तो बुलेट चलाती है, बिना हेलमेट के वो बुलेट चला सकती है लेकिन वो चाटुकार मीडिया जो है उसकी एंकर है, वो हमेशा ही सरकार की बड़ाई करती है इसलिए वहाँ चालान नहीं कटेगा। वही श्वेता सिंह भी बाइक चला रही थी, मेरे पास फोटो है, दोनों बुलेट में जा रही है और हेलमेट नहीं है, वहाँ चालान नहीं करता। वही मनोज तिवारी जी धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपनी गाड़ी में बिठाए थे और सीट बेल्ट भी नहीं पहने थे, वहाँ उनका चालान नहीं करता। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं अगर वह कितना भी यातायात के नियम का उल्लंघन करे वहाँ उनका चालान नहीं कटेगा। खुद कितने पुलिस अधिकारी मैंने देखे हुए हैं कि बुलेट एकदम धड़ाधूम पिक्चर की तरह एकदम सख्तता के ले जाते हैं और वहाँ उनका चालान नहीं कटता। लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि मेरे भाई ने मेरी चिंता की है, अब आपकी बहन की बारी, आपकी बहन भी आपको अच्छे से राखी बांधने आ रही है, मेरी भी पैनी नज़र अब सड़क पर रहेगी, मेरी नज़रों में भी अब आप है। मैं लगातार अब सर्च करती रहूँगी कि कौन है जो बिना हेलमेट के यातायात का उल्लंघन कर रहा है और तुरंत उसको पकड़ूंगी, तुरंत फोटो खींचूंगी, गाड़ी का नंबर खींचूंगी, भाई का चेहरा खींचूंगी, वहाँ वीडियो बनाऊंगी और तुरंत वायरल करूंगी और कहूंगी कि इनका भी चालान काटिए। अपने बयान के बाद गोरखपुर की सड़कों पर उतरकर काजल निषाद ने एक दरोगा को बिना हेलमेट बाइक चलाते हुए पकड़ लिया और उससे जबरदस्त तरीके से भिड़ गई। तुरंत चालान कट रहा है, हाँ का है, का नाम भैया आपका? आप उसको निकाल दीजिए, मेरे को नाम बताने के लिए। क्या नाम बताइए आप, उसमें नाम सर्च करेंगे खुद आ जाएगा। हाँ तो सर्च करेंगे, करेंगे करेंगे बिल्कुल करेंगे बिल्कुल। देखिए देखिए लगा बनाइए भैया, ये वीडियो ऐसे बनाइए, चालू करिए। देखिए भैया जो है हेलमेट नहीं पहने हैं और ये इनका नंबर है। अब काजल निषाद, मैं अपने कैंपस में बुलेट चला रही थी, मैं सीख रही थी तो तुरंत ही मेरा चालान कट गया है। और भैया तो देख लीजिए, अब सारा सामान पड़ा है, नहीं तो आप क्यों डॉल पकड़ सकते हैं? आप क्या पकड़ सकते हैं? नहीं आप गलत किए, आप नहीं डाल सकते हैं, नहीं आप नहीं डो नो। देखिए अरे हेलमेट नहीं, हेलमेट सीना जोड़ी कर रहे भैया, अरे आप वायरल करिए, लेकिन आप पकड़ने के बाद क्या करेंगे? आप हाथ नहीं लगा सकते, कहाँ लगाया है?
कैसे कर रहे हैं कि आप दौड़ के पकड़े हैं? आपका कहना है गलत है। नहीं, अभी आप आपको सामने कहीं मिलेंगे दौड़ के पकड़े हैं। दुकानदार के पास हेलमेट कौन है? बताइए कौन? अभी आप क्या करें कि दौड़ के हमने पकड़ा है? तो आपकी भाषा तो नहीं, नहीं आप कहीं के दौड़ के पकड़े? नहीं नहीं, पकड़ना और रोकने का अंतर है। अरे हेलमेट है भाई, मैडम बता रहे हैं क्या रखे सामान खरीद रहे हैं? अभी मत नाम देख लीजिए, नाम पूरा देख लीजिए। हाँ लिख लीजिए, बोली कर रहे हैं लेकिन आपकी भाषा मैडम गलत है। फोटो के साथ भैया, फोटो के साथ हेलमेट रखा हुआ। आप ये मत कहिए कि दौड़ के पकड़े हैं, आप अपराधी हैं क्या दौड़ के पकड़े भैया? नहीं पहले के क्यों नहीं पहले के? हम उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, उल्लंघन करेगा तो चालान कटता है। अरे तो हमारा भी चालान कटता है, आइए देखिए कटता है चालान। हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट कहाँ है? बहुत लोग पैसा के कारण खड़ा कर दिए। कहाँ दिए हेलमेट? दिखाइए। हेलमेट रखा है कहाँ? दुकान पे है, दुकान पे हेलमेट है।